Hello class welcome to my youtube channel rising ghorawal myself parmeshwar singh class in this video i am going to provide exercise answers of lesson 2 and lesson name is managing files and folders see section a fill in the blanks first question When we switch on a pc the first screen that appears on a monitor is known as the means जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस समय मॉनिटर पर जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं तो इसका आंसर है मॉनिटर नेक्स्ट क्वेश्चन द सर्च टूल कैन also बी used टू प्ले म्यूजिक एंड videos। मीन्स वह कौन सा सर्च टूल है जिसका प्रयोग म्यूजिक और वीडियोस को प्ले करने के लिए भी किया जा सकता है तो इसका नेम है कोर्टाना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्लेज द कॉन्टेंट ऑफ द फोल्डर दैट हैज बीन सेलेक्टेड इन द लेफ्ट पैन मीन्स लेफ्ट पेन में जो फोल्डर सेलेक्टेड होता है उसके कंटेंट को डिस्प्ले करता है तो इसका नेम है राइट पेन नेक्स्ट क्वेश्चन आइकन प्रोवाइड्स एन इजी एंड क्विक मेथड टू ओपन एनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर मींस वह कौन सा आइकन है जो किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को ओपन करने का इजी और क्विक मेथड प्रोवाइड करता है तो इस तरह के आइकन को कहते हैं शॉर्टकट आइकन नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स मींस फाइल्स फोल्डर्स और ड्राइव्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इसका नेम है फाइल एक्सप्लोरर सी ट्रू फॉल्स फर्स्ट क्वेश्चन इन विंडोज 10 ओनली वन डेस्कटॉप कैन बी ओपनड एट अ टाइम मीन्स, विंडोज 10 में केवल एक बार में एक ही डेस्कटॉप को ओपन कर सकते हैं ये फॉल्स है क्योंकि विंडोज 10 एक बार में कई डेस्कटॉप पर वर्क करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर मींस एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है तो ये ट्रू है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट क्लिकिंग ऑन एनी आइकन विल डिस्प्ले पर्सनलाइज ऑप्शन एट द बॉटम ऑफ द डिस्प्लेड लिस्ट मींस किसी भी आइकन पर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो जो लिस्ट डिस्प्ले होती है उसके लास्ट में जो ऑप्शन होता है वह ऑप्शन होता है पर्सनलाइज तो फ़ॉल्स है क्योंकि लास्ट में जो ऑप्शन होता है उसे कहते हैं प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्वेश्चन कोरटाना इज इन इनबिल्ट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज मीनस कोरटाना माइक्रोसॉफ्ट एज का एक इनबिल्ट फीचर है तो ये ट्रू है नेक्स्ट क्वेश्चन द शॉर्टकट मेनू इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट मेनू मीन्स शॉर्टकट मेनू को कॉन्टेक्स्ट मेनू भी कहते हैं तो ये ट्रू है सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन महक हैज क्रिएटेड अ नंबर ऑफ फाइल्स ऑन हर स्कूल प्रोजेक्ट ओके महक अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर कई फाइल्स क्रिएट किए हैं एंड स्टोर देम ऑन डेस्कटॉप और उन सबको डेस्कटॉप पर उसने रखा हुआ है सी वॉन्ट्स टू कीप ऑल रेलिवेंट प्रोजेक्ट फाइल्स इन अ फोल्डर ओके लेकिन अब वो इन सभी फाइल्स को एक फोल्डर में रखना चाहती है बट सी हैज फॉरगटेन दू क्रिएट अ न्यू फोल्डर लेकिन वो न्यू फोल्डर क्रिएट करने का तरीका भूल गई है ओके okay? तो हेल्प हर टू क्रिएट अ फोल्डर तो उसको फोल्डर क्रिएट करने में आप हेल्प करिएसर सी शूड राइट क्लिक ऑन द फ्री एरिया ऑफ डेस्कटॉप ओके तो उसे डेस्कटॉप के फ्री एरिया पर राइट right क्लिक करना चाहिए सेकेंड चूज न्यू फोल्डर ओके फिर उसे न्यू ऑप्शन पर जाना चाहिए और उसके इन ऑप्शन होगा फोल्डर उस पर क्लिक करना चाहिए राइट नेम ऑफ फोल्डर एंड क्लिक ऑन फ्री एरिया ओके अब उसे फोल्डर का नेम राइट right करना चाहिए और फिर फ्री एरिया में कहीं पर क्लिक कर देना चाहिए ओके okay? तो इस तरह से न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ हैज क्रिएटेड अ फोल्डर फॉर हिज साइंस प्रोजेक्ट एंड सेव्ड इट ऑन हिज कंप्यूटर ओके सौरभ ने अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर क्रिएट किया है और उसे अपने कंप्यूटर पर सेव किया है बट नाउ ही वॉन्ट्स टू रीनेम इट ओके लेकिन अब वो इसे रीनेम करना चाहता है हेल्प हिम टू डू सो तो उसे रीनेम करने में हेल्प करिए ओके okay? देखिए आंसर सौरभ शुड राइट क्लिक ऑन फोल्डर ओके सौरभ को फोल्डर पर राइट क्लिक करना चाहिए सेकेंड चूज रीनेम ऑप्शन एंड टाइप द न्यू नेम फॉर फोल्डर ओके और फिर राइट क्लिक करने के बाद उसे रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करना चाहिए उसके बाद आप उसको उसका जो फोल्डर है उसके लिए न्यू नेम राइट करना चाहिए और फिर क्लिक ऑन एनी वेयर इन फ्री एरिया ओके तो फिर उसे कहीं भी फ्री एरिया में क्लिक कर देना चाहिए ओके तो इस तरह से फोल्डर रीनेम हो जाएगा सी सेक्शन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन विंडोज इज अ यूज़र इंटरफेस मींस विंडोज का कौन सा इंटरफेस है ऑप्शन ए ग्राफिकल ऑप्शन बी कैरेक्टर ऑप्शन सी वर्ड तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए ग्राफिकल नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट फाइल्स स्टोर्ड टूगेदर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस मींस किसी स्टोरेज डिवाइस पर एक साथ स्टोर्ड रिलेवेंट फाइल्स का कलेक्शन है ऑप्शन ए आइकन ऑप्शन बी फोल्डर ऑप्शन सी डेस्कटॉप तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी फोल्डर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडोज टेन मीन्स विंडोज टेन का डिफॉल्ट ब्राउजर है ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एज ऑप्शन सी गूगल क्रोम तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्लेज द नंबर ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स एंड देयर टोटल साइज मीन्स नंबर ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स को डिस्प्ले करता है और उनके टोटल साइज को कौन डिस्प्ले करता है ऑप्शन ए स्टेटस बार ऑप्शन बी टूल बार ऑप्शन सी मीनू बार तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए स्टेटस बार सी आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस मींस एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन नेम द एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स ऑल काइंड ऑफ पैड एंड फ्री एप्स ओके उस एप्लीकेशन का नेम राइट करिए जो सभी प्रकार के फ्री और पेड एप्स को प्रोवाइड करता है तो इसका आंसर है विंडोज स्टोर एप्लीकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑप्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीनू इज यू टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ओके कॉन्टेक्स्ट मीनू का कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए तो इसका आंसर है पर्सनलाइज ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑप्शन डिस्प्लेज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एन आइकन मीन्स कौन सा ऑप्शन एक आइकन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है तो इसका आंसर है प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द एरिया ऑफ फाइल एक्सप्लोरर दैट डिस्प्लेस द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द सेलेक्टेड फाइल मींस फाइल एक्सप्लोरर के उस एरिया का नाम बताइए जो किसी सेलेक्टेड फाइल के मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करता है तो इसका आंसर है डिटेल्स पेन सी आंसर द फ्लोइंग फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ विंडोज टेन के किन्हीं दो फीचर को एक्सप्लेन करिए टू फीचर्स ऑफ विंडोज विंडोज फर्स्ट स्नैपिंग दिस फीचर एसिस्ट यू टू वर्क विथ मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन द सेम स्क्रीन मीन्स विंडोज स्नैपिंग एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा आप एक ही स्क्रीन पर कई एप्लीकेशन पर कार्य कर सकते हैं नेक्स्ट टोर द विंडोज स्टोर एप्लीकेशन प्रोवाइड्स यू विथ ऑल काइंड ऑफ पेड एंड फ्री एप्स गेम्स म्यूजिक मूवीज इट मीन विंडोज स्टोर आपको हर प्रकार के पेड और फ्री एप्स गेम्स म्यूजिक मूवीज इत्यादि प्रोवाइड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल एंड अ फोल्डर मीन्स एक फाइल और एक फोल्डर में अंतर बताइए आंसर अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मीन्स एक फाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है वेयर एज जबकि अ फोल्डर इज अ स्टोरेज एरिया इन अ कंप्यूटर मेमोरी वेयर वी कीप रिलेवेंट फाइल्स एंड सब फोल्डर्स मीन्स जबकि एक फोल्डर कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्टोरेज एरिया होता है जहां पर हम रिलेवेंट फाइल्स और सब फोल्डर्स को रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन What is the use of this PC icon? Means this PC icon ka use kya hai? Answer This PC icon displays content of computer's hard disk and external storage media. Means this PC icon, computer ke hard disk or external storage media ke contents ko display karta hai. Using this PC icon, we can access and manage all the folders and files. स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मींस डिस पी सी आइकन का प्रयोग करके हम कंप्यूटर पर स्टोर्ड सभी फाइल्स और फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू नो अबाउट कोर्टाना कोर्टाना के बारे में आप क्या जानते हैं एंसर कोर्टाना इज द पावरफुल सर्च टूल ऑफ विंडोज टेन मीन्स विंडोज टेन का कोर्टाना एक पावरफुल सर्च टूल है इट अलाउज यू टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द सिस्टम और ऑन द वेब डायरेक्टली मीन्स यह आपको इंफॉर्मेशन सर्च करने को अलाउ करता है चाहे वो इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे हो या फिर वेब पर हो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार्ट मेनू मीन्स स्टार्ट मेनू का यूज क्या है एंसर द स्टार्ट मेनू यू क्विक एक्सेस टू एप्स एंड सर्विसेस मीन्स स्टार्ट मेनू आपको एप्स और सर्विसेज का क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है हियर यू कैन फाइंड सेटिंग्स एंड अ लिस्ट ऑफ़ एप्स पावर ऑप्शन लाइव टाइल्स ए टी सी मीन्स यहाँ पर आपको सेटिंग्स ऑप्शन मिल सकता है और लिस्ट ऑफ़ एप्स आपको मिल सकता है पावर ऑप्शन मिल सकता है लाइव टाइल्स इत्यादि आपको मिल सकता है ओके okay क्लास इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉशिंग